तो हम लोग पढ़ रहे थे बाइंडिंग ऑपरेशन, रिलेशन फंक्शन में चल रहा था बच्चों, संबंध फलन में, और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए थे 1.4 में, और 9 के 4 तक कंप्लीट हुए थे सॉरी, और आप देखेंगे 9 का 5th नंबर बच्चों। तो क्या लिखा है 9th का 5th में, लिखा है ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी अपॉन में 4, ठीक है। ये लिखा है सहचर पूछ रहा है और क्रम बिन में पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें पहले क्रम बिन में की, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी है, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी की पावर ए अपॉन, ये अलग चीज होगी, ए की पावर बी है, ये बी की पावर ए है, तो ए स्टार बी जो है डज नॉट इक्वल टू, क्रम बिन में नहीं है, तो हाँ। अब बात करते हैं सहचर की, तो ए स्टार बी इन ब्रैकेट स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब ए की पावर बी अपॉन 4, इसका मतलब सुनना ध्यान से बच्चो, ये डिफिकल्ट है यहां पर। अब ये ए माना जाएगा और ये क्या माना जाएगा, बी, क्या लिखा ए की पावर बी लिखा हुआ, तो ए ये है, ध्यान देना ए, ए लिखो पहले, ए की पावर बी अपॉन 4 की होल पावर क्या हो जाएगी बच्चों बताओ यहां पे, और अपॉन में क्या आएगा भाई, ये ए है, ए की पावर बी अपॉन में क्या है 4, ठीक है, ए की पावर बी अपॉन में मतलब ये ए समझो, इसे समझो ए, जो भी लिखा वो ए है कि पावर बी है, ब्रैकेट लगा क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है, तो इसीलिए यहां पे दो पद है बटे में लिखा है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तुमको कि पावर क्या हो जाएगी सी, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, जैसे वो लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ सेम टू सेम ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ए स्टार बात करते हैं ब्रैकेट में बी स्टार सी, तो बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी की पावर सी अपॉन में ए हो जाएगा बच्चों। अब ये ए तो ए है, ए की पावर बी है, तो ए की पावर बी मतलब बी की पावर सी बटे 4 अपॉन में, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है बच्चों, ये a की पावर b अपॉन 4 की पावर c है, और ये a की पावर b की पावर c अपॉन 4 है बच्चों यहाँ पे, तो a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार, इसलिए सहचर नहीं है, सहचर मतलब एसोसिएटिव नहीं और कम्यूटेटिव भी नहीं, ठीक है, नहीं आया क्या हमने, ठीक। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th का बच्चों, 6th नंबर, 9th का 6 लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए स्क्वायर, राइट, बी, ये तो अलग हो गया, ए बी स्क्वायर, ये बी ए स्क्वायर हो गया यहां पे, तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार, इसलिए क्रम बिन में नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या है बच्चों, ए बी स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देना, ए बी स्क्वायर स्टार सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, लिखा है उन्होंने ए बी स्क्वायर, तो ए ये हो गया और बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहां पे, ठीक है। अब इधर देखो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार की जगह ए स्टार बी, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ओके। अब ध्यान देना ये ए है और ये पूरा बी है, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी स्क्वायर का होगा ना, पूरा ये पूरा बी का स्क्वायर होगा बच्चों यहां पे, तो ए बी स्क्वायर और सी की पावर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, बी की बी स्क्वायर सी की पावर 4, तो ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है बच्चों, अतः ना तो क्रम बिन में है ना तो सहचर है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है प्रश्न नंबर 9 में दी गई, फिर 9 में चलना पड़ेगा हम लोग को, 9 में 6 पार्ट फिर से करने पड़ेंगे, में दी गई संख्याओं में किसी का तस्मक है तो बतलाइए, तस्मक पूछ रहा है बच्चों, तस्मक थोड़ा सा पहले याद दिला दे बच्चों, तस्मक अवयव क्या होता, तस्मक मतलब जैसे हमने ए स्टार ए लगाया या ई स्टार ए लगाया, तो आंसर ए ही आना चाहिए, यह कह जाता तस्मक, मतलब ई यहां पर क्या कहलाएगा बच्चों, तस्मक अवयव,
मतलब हमें एक ऐसा अव्यय ढूंढना है जिसको ए में लगाने पर आंसर ए आए, चाहे उल्टा लगाए चाहे सीधा लगाए, दोनों में सेम आंसर आना चाहिए ए। जैसे पहला क्वेश्चन है ए स्टार बी, ये दसवें का पहला है लेकिन है नाइन्थ का पहला। बच्चों ए स्टार बी इक्वल टू क्वेश्चन लिखा है नाइन्थ के फर्स्ट में ए माइनस बी। ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी। ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, ए के। तो यहां पे अगर हम पहले ई ले रहे, ध्यान देना ए स्टार ई इक्वल टू क्या आएगा ए माइनस ई। ए माइनस ई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है ए, तो जरा ए यहां करो और माइनस ई इक्वल टू ए यहां भेजो, तो ए माइनस ए माइनस ई इक्वल टू, तो ई इक्वल टू जीरो आ रहा। फिर उल्टा करो E स्टार A, E माइनस इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए A के इक्वल होनी चाहिए, तो E इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा A और प्लस यहाँ E की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो यहाँ कितनी आ रही है जीरो। अतः यहाँ कोई तस्मक अवयव उपस्थित नहीं, क्योंकि तस्मक अवयव आदुति होता है, कोई एक ही होता है, दो दो नहीं हो सकते यहाँ पे। यहाँ देखो जीरो आ रहा, यहाँ कितना आ रहा है टू वे आ रहा है, तो दो दो अवयव नहीं हो सकते किसके बच्चों, तस्मक के। तो यहां लगे कोई तस्मक अवयव उपस्थित नहीं, क्योंकि जो तस्मक अवयव होता है वो आद्वितीय होता है। एक बार समझ लो फिर से क्या करना है सब क्वेश्चनों में, ए स्टार पहले यहां पे बी क्या लेना है ई, तो ए माइनस ई किसके आंसर इक्वल लिखेंगे ए के। सॉल्व करा ए की वैल्यू कितनी आ गई, उल्टा सॉल्व करो बच्चों, आंसर अगर यही आ जाता क्या आता जीरो आता, तो ये तस्मक अवयव होता और क्या होता जीरो होता। लेकिन आंसर अगर डिफरेंट आ रहा तो फिर नहीं होगा बच्चों यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट और समझो, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्टार ई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू फिर से हम लोग इक्वल करेंगे किसके ए के। ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए इक्वल टू बोलो ठीक है यस मैं बच्चों, उल्टा करो बच्चों। बच्चों यहां पे देखो ये क्या लग गया, रूट लग गया। अब ऊपर देखो जो दिया हुआ हम लोग को सेट है वो क्यू दे रखा है, क्या दे रखा हम लोग को क्यू दे रखा, और क्यू क्या है हम लोग का परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या। और ये देखो क्या आया गया ध्यान से बच्चों, अपरिमेय संख्या ये बिलोंग ही नहीं करेगा बच्चों किसमें बच्चों क्यू में, तो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम लोग का अगर हो भी रहा होगा तब भी नहीं संभव है, क्योंकि ये क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या है ठीक है। रूट लगा यहां पर तो ये क्या कहलाएगी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू में सिर्फ कौन संख्या आती है पी बटे क्यू वाली, बटे वाली संख्या आती है, रूट वाली संख्या नहीं आती है। रूट वाली संख्या किसमें आती है रियल नंबर में या फिर अपरिमेय में आती है। तो अभी यहां पे क्या लग गया हुआ है रूट लग गया है, तो इसलिए अपरिमेय है तो इसलिए बिलोंग नहीं करेगा, तो कोई भी दशमलव का यहां पे उपस्थित नहीं है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ध्यान रहा इसको हाँ पहले क्या लेंगे ए स्टार ई इक्वल टू बोलो ए प्लस ए इक्वल टू किसे करेंगे बच्चों ए इक्वल टू ए माइनस ए, ए इक्वल टू ई इक्वल टू जीरो अपॉन कुछ भी ले जाओ तो जीरो हो जाएगा बच्चों। अगर हम ई स्टार ए करें तो बोलो ई प्लस ई ए इक्वल टू में ए, कॉमन लेना पड़ेगा e, तो क्या बचेगा वन प्लस ए, तो e इक्वल टू बोलो a अपॉन वन प्लस ए। यहां देखो यहां भी देखो कोई भी तस्मक यहां लेना पड़ेगा, कोई भी तस्मक अवयव, कोई भी ठीक है सब में लिखना पड़ेगा बच्चों, ना फर्स्ट में ना सेकेंड में ना तो थर्ड में फोर्थ में। देखो a स्टार b इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, अगर हम ई ले लें बी की जगह पहले तो बोलो ए माइनस ई का इक्वल टू क्या मानेंगे स्क्वायर, हटाओ बच्चों क्या लगेगा यहाँ पे रूट ए माइनस ए इंटू करोगे तो ए देखो ज्यादा माइनस इंटू करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा ये भी बिलोंग नहीं करेगा, बोलो क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया बच्चों अंडर रूट आ गया बच्चों ठीक है, तो बिलोंग नहीं करेगा बच्चों। तो ये यहाँ पे भी कोई तस्मक अवयव नहीं है। अब ये ध्यान देना पांचवा नंबर ये इंपॉर्टेंट है, ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी अपॉन में
4, a star e equal to बोलो a की पावर अपॉन इक्वल टू इधर भेजो a की पावर e equal to बोलो चो 4a, ठीक है a की पावर e equal to क्या जाएगा बच्चों 4a, हमें निकालना है क्या है बच्चों e निकालना है, ये a भी होगा कि a की पावर b है यहाँ पे ये इसमें कटा है ये भी लिखा है अपॉन 4 लिखा है ए बी की हाँ डी ने सही किया लगता है ए बी लिखा ना बच्चों यहाँ ए की पावर बी नहीं होगा ए बी कर लो बच्चों यहाँ पे क्या कर लो जो ए बी होगा बच्चों यहाँ पे ए की पावर बी नहीं होगा यहाँ पे ए बी अपॉन 4 होगा बच्चों ठीक है ए बी अपॉन 4 कर लेना बच्चों यहाँ पे ए की पावर ई नहीं ए बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई तो ए ई ठीक है तो ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो e इक्वल टू कितना आ रहा बच्चों बोलो 4 ठीक है ध्यान देना इसको e का एक बी कर लेना बच्चों e स्टार a देखो बच्चों कितना हो जाएगा ea अपॉन 4 इक्वल टू में तो ea इक्वल टू बोलो 4a इक्वल टू कितना आ गया अब देखो दोनों में जरा सेम आंसर आ रहा है तो आता यहां तस्मा का व्यव है और कितना है बच्चों बोलो 4 है बच्चों ठीक है और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपने मन से कर लेना बच्चों और ये सही करना ए बी अपॉन 4 है बच्चों ठीक है हाँ उसमें भी कर लेना बच्चों ठीक है तो वो जो क्रम इनमें होगा और सहचर भी होगा जाता बच्चों ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों मान लीजिए a बराबर n क्रॉस n एक समुच्चय दे रखा है हम लोग को a बराबर n क्रॉस n में a में a कॉमा b स्टार बराबर a प्लस सी और b प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है ये दे रखा हम लोग को ठीक है इस बार इस प्रकार दे रखा हम लोग को ठीक है क्योंकि n क्रॉस n कर रहे हैं ये लोग तो n क्रॉस n करेंगे तो इस टाइप में आएंगे पेयर टाइप में ऑर्डर्ड पेयर टाइप में ठीक है ऑर्डर्ड पेयर में किया तो a प्लस सी मतलब इसको इसमें प्लस करना है और b को d में फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में प्लस करना है सेकेंड को सेकेंड में सिद्ध कीजिए स्टार क्रम इनमें है और सहचर है और a में स्टार में तस्मक अवयव है यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए उन्हें ठीक है तो पहले सिद्ध करेंगे क्या ये क्रम इनमें बच्चों ठीक है क्रम इनमें है कि नहीं मतलब सिद्ध करना होना चाहिए बच्चों क्रम इनमें तो समझो बच्चों ये पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है ये ए स्टार बी इक्वल टू ये लिखा है ठीक है अगर हम उल्टा कर लें मतलब देखें चेक करें सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा इन्होंने क्या किया था पहले को पहले में प्लस किया दूसरे को तो हम लोग क्या करेंगे पहला एलिमेंट क्या है सी प्लस क्या करेंगे और दूसरा एलिमेंट क्या है डी प्लस दोनों सेम ही तो लिखा है ए प्लस सी लिखा है सी प्लस ए बात सेम ही होती है और बी प्लस डी और डी प्लस बी बात सेम ही है यहाँ पे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग ए इस कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू किसके है बच्चों स्टार ए ये पूरा बच्चों एक एलिमेंट है क्योंकि हमने एन क्रॉस एन में दे रखा है ना यहाँ पे तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होगा है ना ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि दो एलिमेंट में आएगा बच्चों तो ये समझ में आया कि नहीं आया अतः ये इसलिए स्टार क्या है बच्चों क्रम इनमें मतलब कॉमिटेटिव चलो अब समझना बच्चों ध्यान से अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पहले बड़ा ब्रैकेट लगा दो कि छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी लगा यहां पे ए कॉमा बी स्टार बंद फिर एक एलिमेंट खुद से तो लेना पड़ेगा तीसरा एलिमेंट तो क्या ले ले ए बी सी डी है तो क्या ले ले यहाँ पे ए कॉमा पहले इसका मतलब बताओ इसका मतलब यही तो है क्या ए प्लस सी कॉमा चलो अब इसका तुम लोग मतलब बताओ ये देखिए बता पाओगे क्या किया इन्होंने पहले को पहले में प्लस किया है दूसरे को चौथे में प्लस किया है मतलब पहला जैसे इसका पहला मतलब और इसका दूसरा ऐसे किया है तो क्या करोगे a पहले a प्लस c प्लस e कॉमा और b प्लस d प्लस f d प्लस बोलो नहीं आया क्या ये चीज ठीक है अब ब्रैकेट चेंज करो यहां पे जैसे बड़ा ब्रैकेट यहां लगा था अब इधर लगाओ तो a कॉमा b अकेले हो जाएगा
स्टार बड़ा ब्रैकेट यहाँ बोलो स्टार ए कॉमा, तो ए कॉमा बी तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, इसका फिर से मतलब सी प्लस ई, बोलो सी प्लस ई, और यहां पर और फिर से ये पहला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट तो क्या जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, यही तो होगा बच्चों, और बोलो यहां पे बी प्लस डी प्लस, दोनों सेम आ रहे हैं क्या बच्चों, देखो बच्चों तो क्या लिखोगे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा इज इक्वल टू ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, आता ये क्या है सचर है, ठीक है समझाया सचर। अब रुको बच्चों, अभी हम लोग को वो भी ध्यान मतलब वो भी निकालना है यहाँ पे तस्मक अवयव है, तो देखो तस्मक अवयव इस टाइप में आएगा बच्चों, ऐसे टाइप में सिंगल एलिमेंट नहीं होगा, इस टाइप ऑर्डर्ड पेयर में, तो ध्यान देना ए कॉमा बी, जैसे हम लोग यहाँ ई मानते थे, अब यहाँ ई मत मानना, मान लिया क्या है ई वन कॉमा ई टू, ठीक है दो एलिमेंट नहीं है, ये पूरा एक ही एलिमेंट माना जाएगा बच्चों, ठीक है तो बोलो क्या आएगा ए प्लस ई, ई नहीं बच्चों ई वन, और बोलो बी प्लस ई टू। अच्छा मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ए स्टार ई करने पे आंसर क्या आएगा ए, या ई स्टार ए करने पे क्या आएगा आंसर, तो इक्वल टू में ए आएगा, ए मतलब क्या ए यहां पर क्या, यही तो है ए बच्चों ए कॉमा बी, तुलना करो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से होगी, तो ए प्लस ई वन इक्वल टू ए, तो ई वन इक्वल टू जीरो, बी प्लस ई टू इक्वल टू बी, ई टू इक्वल टू जीरो, ये देखो जरा क्या लिखा है यहां से एंड मतलब नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और स्टार्ट कहां से होते हैं प्राकृतिक बच्चों, एक दो तीन चार पांच, एक से स्टार्ट होते हैं बच्चों यहां पे, ये क्या रहा बच्चों बिलोंग ही नहीं करेगा बच्चों, कहाँ नहीं बिलोंग करेगा बच्चों, अगर ये W होता बाई चांस यहाँ पे क्या होता, W होता या Z होता या कुछ भी होता और इसके अलावा, तो ये क्या होता यहाँ पे तस्मक अवयव उपस्थित होता, वो भी क्या होता जीरो कॉमा जीरो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे N है तो N में स्टार्टिंग 1 से होगी, 1.1, 1.2, 1.3 ये सब होंगे, बट 0.0 नहीं होगा। तो अगर उल्टा भी करोगे तो वहां पे भी 0.0 आएगा, कैसे, जैसे मान लो हमने E1 इधर लिख दिया, A इधर लिख दिया, E2 यहाँ लिख दिया, A तभी वो A 0 आएगा बच्चों, बट वो बिलोंग नहीं कर रहा, अगर यहाँ W या Z या कुछ और होता तो ये बिलोंग कर जाता, तो फिर वहां पे तस्मक अवयव उपस्थित होता, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई तस्मक अवयव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया सत्य और असत्य बताना है बच्चों, समुच्चय n में, n मतलब नेचुरल नंबर में किसी स्वेच्छ द्विध्रुवीय स्टार के लिए a स्टार a इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द n नेचुरल नंबर में, देखो जो ये सब बोला सबके लिए होना चाहिए, मतलब कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो भी नेचुरल बिलोंग कर रहा है वहां a स्टार a करे तो क्या आंसर आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये संभव नहीं कि ए का ए में करेंगे तो ए आएगा, ऐसा कोई संभव नहीं है, है ना। यहाँ पे लिखा है कि ए स्टार ए करने पे क्या आना चाहिए, ए मतलब हम लोग कोई भी नंबर ले यहाँ पर ए आना चाहिए, समझना कैसे बच्चों। अभी यहाँ पे क्या लिखा है फॉर ऑल, जैसे मान लो हमने वन लिया, वन स्टार वन इक्वल टू, अगर हमने टू लिया मान लो टू स्टार टू इक्वल टू टू, तो ऐसा कुछ यहां पर वो नहीं बन रहा है कि इसमें ए ही आएगा बच्चों, फॉर ऑल यहां पे वन आएगा, यहां टू आएगा, यहां थ्री आएगा, यहां फोर आएगा, यहां पे फाइव आएगा, तो ऐसा यहां कुछ नहीं बन रहा जिससे कि वो मालूम चले कि एक हम लोग का क्या बन रहा है बच्चों ऑपरेशन लग रहा है यहां पे, कि ए स्टार ए लगाने पे, जैसे यहां पर भी ए लिखा है, दोनों में ए लिखा है, ए स्टार ए लगाने पर क्या रहा बच्चों ए, तो ये ए स्टार ए मतलब दोनों सेम एलिमेंट के लिए है, दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट हो गए, मतलब यहाँ ए आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों बी आ गया, मान लो जैसे यहाँ ए स्टार बी इक्वल टू ए लिखा होता तो काम चल जाता है यहाँ पे, सी वन ये वन वन टू टू सबके लिए है, अगर मैं बाई चांस ये लिख दूंगा वन स्टार टू तो क्या आंसर आएगा बताओ,
नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्टार ए, मतलब दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, अगर डिफरेंट आ गए तो क्या आंसर आएगा मालूम है क्या हम लोग को, पता है क्या, नहीं पता यहाँ पे, तो इसीलिए क्या है बच्चों यहाँ पे गलत है। अगर यहाँ बस ए स्टार यहाँ क्या लिख देते, ये बी लिख देते बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों ये क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये सही नहीं, क्योंकि ए स्टार ए मतलब दोनों सेम एलिमेंट के लिए दे रखा, डिफरेंट के लिए हम लोग को पता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। इसी का दूसरा पार्ट लिखा है, एन में स्टार क्रम विन्मय द्विधारी है, तो ये क्या होगा, क्रम विन्मय दे रखा है, जानना क्रम विन्मय दे रखा है बच्चों, समझना बच्चों, पूछा ये क्या संभव है। अच्छा क्रम विन्मय यही होता है बच्चों, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर इसको ध्यान देना, ये क्या लिखा है बच्चों, तो क्या इसको हम लोग सी स्टार बी दे सकते हैं, जैसे ये लिखा है उन्होंने लिख दिया बच्चों, क्यों, क्रम विन्मय है, तो जैसे ए स्टार बी के लिए तो बी स्टार सी के लिए भी होगा बच्चों, सी स्टार डी के लिए भी होगा, सबके लिए होगा, तो ये बी स्टार सी को मैंने क्या लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि इस तरफ लिखा था, ओके। अच्छा अभी समझना, ये मान लो ये ए है और ये क्या मान लो ए स्टार, तो बी स्टार ए भी लिख सकते हैं हम लोग, तो बी स्टार ए का मतलब है कि ये पूरा सेम रहेगा स्टार ए, क्या सेम आ रहा क्या बच्चों यहाँ पे, आ रहा सेम, मतलब ये क्या है बच्चों, बिल्कुल ट्रू लिखा है, नहीं इसमें आया क्या बच्चों, तो ए स्टार पहले मैंने इसको चेंज किया क्रम विन्मय के नियम से और फिर क्रम विन्मय लगाया बच्चों, तो इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया, तो मतलब ये इससे मैच कर रहा है, तो ये सही बात है क्या बच्चों, ये जो दिया हुआ है वो भी क्या सही है, नहीं इसमें आया क्या। लास्ट क्वेश्चन देख लो, 13 नंबर, ए स्टार बी इक्वल टू एम सी क्यू बच्चों, ए क्यू प्लस का बी क्यू द्वारा परिभाषित एन में द्विधारी संख्या स्टार विचार कीजिए, तब निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए, सहचर क्रम में दोनों है, जरा चेक करो, बी क्यू प्लस तो सही लिखा बच्चों, आगे पीछे लिखा प्लस में तो क्रम विन्मय तो आया बच्चों, हाँ सहचर देते हैं, चेक कर देते हैं, हाँ ए स्टार बी का मतलब बोलो, ए क्यू बी क्यू स्टार सी, ठीक है, ये ए है, ये क्या है बच्चों, तो बोलो ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यूब, पहले होल क्यूब लगेगा, पूछो क्यों होल क्यूब लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ए माना ना, तो ए क्यूब लिखा है, तो ए क्यूब और प्लस सी, नहीं जाए क्या भाई, ये ए क्यूब लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका उल्टा देखो, हाँ बोलो, इसका मतलब बोलो बी क्यूब प्लस, अब यहाँ बोलो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब, बराबर नहीं है बच्चों, अलग देखो जो यहाँ पे ध्यान से, तो क्रम विन्मय है लेकिन सहचर नहीं है, ऑप्शन नंबर टू सही है, क्रम विन्मय है किंतु सहचर है ना, बाकी सब गलत है बच्चों, नहीं आया क्या समझ में, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ये वाला बच्चों आ गया समझ, ये वाला ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले मैंने उल्टा किया चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ सी स्टार बी था, फिर मैंने सोचा ये ए है और ये पूरा क्या है बी है, तो बी स्टार ए क्रम में दे रखा था ना। अब बच्चों 1.4 एंड हो गए बच्चों, यहाँ पे 1.4 में 13 क्वेश्चन थे पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं फिर से एग्जाम्पल की तरफ बच्चों, अब हम लोग के लास्ट एग्जाम्पल विविध उदाहरण बच्चे हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल बच्चे हैं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, मतलब 41 से लेके 51 तक बच्चों यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, और फिर 19 क्वेश्चन है मिसलेनियस में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर बच्चों कौन सा, 41, एग्जाम्पल नंबर 41 बच्चों इंपॉर्टेंट है मोस्ट, ये एग्जाम में आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 41, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 41 ध्यान सब बच्चे देना किस प्रकार से करते हैं, यदि R1 R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, R1 R2 क्या है, R1 तथा R2
समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है। मतलब R1 R2 क्या है, समुच्चय A में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है क्या, R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए, R1 इंटरसेक्शन R2, बता चुका हूँ कई बार बच्चों, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देना कैसे हम इसको सिद्ध करते हैं। समुच्चय ए दे रखा है, ये दोनों तुल्यता संबंध है, मतलब स्वतुल्य सममित संक्रामक, ये तीनों हैं, ये दोनों हमें सिद्ध करना, ये भी होगा बच्चों, समझो। यहाँ पे पहले कौन सी एडिंग होती है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। समझना ध्यान से बच्चों, स्वतुल्य कैसे याद होगा, स्वतुल्य का खुद का, खुद का बच्चों रिलेशन होना जरूरी है हर एक एलिमेंट के लिए। अच्छा, R1 R2 क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है। तो R1 R2 में पक्की बात है कि a कॉमा a मान लेते हैं, a कॉमा a बिलोंग कर रहा होगा R1 में, तथा a कॉमा a जो होगा वो बिलोंग कर रहा होगा फॉर ऑल a, जितने भी a बिलोंग कर रहे हैं a में, क्योंकि ये तुल्यता संबंध दे रखा है, तो ये तो इसमें फॉलो कर रहा होगा ना, a कॉमा a यहां पर भी होगा, a कॉमा a यहां पर भी होगा, होगा नहीं होगा बोलो, फॉर ऑल, क्योंकि ये क्या है, तुल्यता संबंध है, तो इसलिए a कॉमा a R1 में बिलोंग कर रहा है, a कॉमा a R2 में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए a कॉमा a जो होगा वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी तो बिलोंग करेगा, बोलो चो, इसमें तो बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए जितने भी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, कैपिटल ए में, अतः आर वन इंटरसेक्शन आर टू स्वतुल्य है, ठीक है। अतः हम लेते हैं सिंपल स्वतुल्य है, नहीं आया क्या बच्चों, बोलो सममित नहीं, देखो चो सममित में पहले हम लोग a कॉमा b मानेंगे बच्चों, R1 इंटरसेक्शन इसमें एलिमेंट ही बिलोंग कर रहा है, अब प्रूव करना पड़ेगा क्या कि a कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी क्या होगा इसमें बिलोंग कर रहा है, समझना से। ये देखो यहां पर तुम्हें मानना नहीं पड़ेगा, यहां पे तुम्हें वहीं से ऊपर से स्टार्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को, पहले हमने R1 a मान लिया इसमें, इसमें तो इसमें भी होगा, अब इसमें पहले मानो कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है, अब प्रूव क्या करना पड़ेगा, b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो समझो। अच्छा, a कॉमा b R1 इंटरसेक्शन R2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि a कॉमा b जो होगा वो R1 के पास भी होगा, एंड मतलब तथा a कॉमा b जो होगा R2 के पास, नहीं आया तो दोनों पास होगा क्योंकि दोनों पास बिलोंग कर रहा है। अच्छा ये बताओ R1 R2 क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है तो पक्की बात है इसलिए तो b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा होगा R1 के पास, बोलो चो b कॉमा a भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि तुल्यता संबंध दे रखा है ना R1 R2, और ये बताओ b कॉमा a बिलोंग कर रहा होगा कहां पे, अब b कॉमा a यहां पर भी, b कॉमा a यहां पर भी, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b कॉमा a जो है ये बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन For all a comma b belongs to the, नहीं समझ आया क्या बच्चों, नहीं आया बताओ चो, संक्रामक भी ये करना है बच्चों, हाँ a comma b मानेंगे और क्या क्या मानेंगे, belong कर रहा R1 intersection, तो इसका ये तो मतलब हुआ कि a comma b और b comma c जो होगा वो R1 के पास होगा, and चलो एंड लिख दिया कोई बात नहीं, a कॉमा b, बोलो जो R1 R2 क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है, तो a कॉमा b, b कॉमा c अगर बिलोंग कर रहा है तो इसलिए a कॉमा c भी तो बिलोंग कर रहा होगा बच्चों, कहां पर, और एंड a कॉमा c बिलोंग कर रहा होगा कहां बच्चों,
अब ये दोनों बिलोंग कर रहा है तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन फॉर ऑल। अतः सममित भी है, संक्रामक भी है, अतः आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या है, एक तुल्यता संबंध। ये ध्यान देना बच्चों पहले कि ये इसमें मानना पड़ेगा आर वन में, फिर इसमें मानना दोनों में, ठीक है ओके। जब ये मानोगे तभी तो ये लाओगे बच्चों, ये मानोगे तभी तो ये लाओगे बच्चों, और ये तुम्हें मानना नहीं है, पहले से तुम्हें बनाना पड़ता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बोलो अच्छे से आ गया। अतः आर वन इंटरसेक्शन आर टू क्या है बच्चों, एक तुल्यता संबंध है। नहीं समझ आया क्या, ठीक है। पांच मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कई बार से नहीं आया, हम हर बार बोल रहे हैं ये बहुत दिनों से नहीं आ रहा बच्चों, हो सकता है इस बार आ जाए बच्चों। तो यहीं सकते हैं बच्चों, ठीक से अंकल पढ़ाएंगे।